नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, यह तीन तत्व हिंदू धर्म में हमेशा से खास रहे हैं। इन तीनों तत्वों में ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के अलावा सत्य, चित्त और आनंद समाहित हैं। प्रेम में ही परमात्मा का वास है। सत्यम शिवम सुंदरम की वेद, उपनिषद और पुराणों में अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है, परंतु इन तीनों तत्वों के मूल अर्थ पर सभी एकमत होकर मानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है और यही पूर्ण सत्य है। सत्य को प्रभु, शिवम को भगवान शिव और सुंदरम को सुंदरता तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव के पास सृष्टि रचना, पालन करना तथा संहार करने का भार है। आइए जानते हैं कि असल में सत्यम शिवम सुंदरम इन तीन तत्वों के बारे में क्या क्या मत प्रचलित हैं। सत्यम क्या है? हिंदू धर्म में ब्रह्म को सत्य, आत्मा को सत्य कहा जाता है, क्योंकि आत्मा को ही अजर, अमर, निर्विकार और निर्गुण कहा जाता है। आत्मा शरीर में रहकर खुद को जन्मा हुआ मानती है, जबकि यह केवल एक भ्रम है। सत्य को ईश्वर भी माना गया है। इसे इंद्र, वरुण व अग्नि के रूप में माना गया है, क्योंकि यह सभी देव प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। असल में सत्य को समझना कठिन है। शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, प्रेम और धर्म को सत्य का रूप माना गया है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं माना गया, क्योंकि सत्य के साथ रहने से मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इससे शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तभी तो कहते हैं कि सत्य की सदा जीत होती है। सत्य बोलना भी सत्य है। सत्य बातों का समर्थन करना, सत्य समझना, सुनना और सत्य की राह पर चलना बेहद कठिन होता है, क्योंकि सत्य को सामने लाने में कई बार लंबा समय लग जाता है। सत्य को आमतौर पर झूठ ना बोलना भी माना जाता है, परंतु सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। कई बार रस्सी को देखकर सांप मान लेना सत्य नहीं होता, परंतु रस्सी को देखकर डरना सत्य है। सत्य को समझने के लिए हमें बुद्धि और विवेक पर खास ध्यान देना पड़ता है। भगवान शिव ही सत्यम है, तो शिव ही असली सच है, क्योंकि शिव ही सृष्टि का शुभारंभ है, शिव ही अंत है, शिव ही हमारे भीतर है और आप ही शिव के भीतर हैं। वही जन्म का कारण है और यही असल सच है। शिवम क्या है? आमतौर पर शिवम का संबंध भगवान शंकर से माना गया है, क्योंकि शिव एक निराकार, निर्गुण और अमूर्त सत्य है। देवों के देव महादेव भी परम ध्यानी होकर उस परम सत्य में लीन होने के कारण ही शिव स्वरूप माने गए हैं। शिव का असल अर्थ शुभ है। यहाँ पर सत्य होगा वहाँ शुभ ही होता है। यहाँ शुभ नहीं होता वहाँ सत्य नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान आत्मा ही असल में शिवम है। शिवम का अर्थ है कि अपना सब कुछ अर्पण करते हुए कुछ पाने की इच्छा ना रखना। माता पार्वती एक राजकुमारी थी। वह जानती थी कि शिव के पास खुद के रहने के लिए कुटिया भी नहीं होगी, परंतु उन्हें मालूम था कि शिव ही शिवम है। शिव सबके दाता हैं। वह अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि आप शिव का एक हिस्सा है और शिव आपका एक हिस्सा है। सुंदरम क्या है? इस कायनात यानी प्रकृति को सुंदरम कहा गया है। इस दिखाई देने वाले समूचे जगत को प्रकृति का ही स्वरूप माना गया है। प्रकृति ही हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है। इसी प्रकृति को 8 तत्वों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। हम एक सुंदर प्रकृति और जगत के चक्कर में घिरे हुए हैं। इस चक्कर से अलग होकर ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सो दोस्तों, यह थी सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।